हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हैप्पी फिश कीपिंग तो दोस्तों आज का वीडियो है पार्ट सिक्स इस एंजल ब्रीडिंग सीरीज का तो इंट्रो से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक है डे बाय डे ग्रोथ अपडेट गाइस इसी सीरीज़ के बाकी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डे बाई डे में ग्रोथ अपडेट दिया है तो अगर आप स्किप करके देखिएगा तो शायद हो सकता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर जाए और भाई जो लोग मेरे चैनल पे नए हो उन लोगों से मेरे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना तो फ्रेंड्स आगे वाले वीडियो में मैंने डे थ्री तक का अपडेट दिया था तो चलिए अब आग इसके आगे देखते हैं तो जैसे कि डे थ्री में एक सारे हैच हो चुके हैं आप देख सकते हैं ये सारे छोटे छोटे हैं एक टेल खाली निकला हुआ है तो तो चलिए इसे अब ग्रो आउट टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो जैसे कि इधर मैं वाटर फिल कर रहा हूँ और सारे हैच्ड बेबीज़ मैंने छोड़ दिए हैं आप देख सकते हैं कि इन लोगों का बेली थोड़ा फूला हुआ रहता है क्योंकि वो एक सैक होते हैं तो एक सैक में ही उन लोगों का इनिशियल दो तीन दिन का फूड रहता है और उसी फूड के सहारे वो लोग दो तीन दिन सरवाइव करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं डे फोर के तरफ तो डे फोर में आप लोग देख सकते हैं कि वो लोग का साइज थोड़ा सा इन इनलार्ज हुआ है थोड़ा सा बड़ा हुआ है और टेल थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है तो अभी भी वो लोग टैंक के बॉटम में ही बैठे हुए हैं क्योंकि अभी भी उन लोगों के एक सैक में फूड है तो फीडिंग आज भी नहीं करेंगे अब बारी आती है डे फाइव की तो डे फाइव में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ फ्राइज़ टैंक के बॉटम से उठ गए हैं और वो लोग स्विम कर रहे हैं तो अभी भी सारे जो फ्राइज़ है वो लोग स्विम करना नहीं चालू किए हैं तो जब तक ये लोग स्विमिंग मतलब फ्री स्विमिंग चालू नहीं करते हैं तब तक इन लोगों को हमें फ़ूड नहीं देना है तो ये बहुत ही छोटे हैं कैमरा में पकड़ना भी मुश्किल है तो आज का ये दिन लगेगा ये सारे फ्राइज को फ्री स्विमर बनने में तो चलिए अब चलते हैं डे सिक्स में ये रहा डे सिक्स का अपडेट तो ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट फ्राइज़ जो है वो फ्रीली स्विम कर रहे हैं तो आज मैं इन लोगों को फूड इंट्रोड्यूस करूँगा एकदम थोड़ा सा फूड जो है लाइव बेबी ब्रांड स्विम वो मैं इन लोगों को दूंगा। कल से प्रॉपर फीडिंग इन लोगों का चालू होगा क्योंकि अभी भी कुछ फ्राइज़ जो है वो टैंक के बॉटम में है ज़्यादातर फ्राइज स्विम कर रहे हैं तो मैंने इधर थोड़ा ब्राइंडशिम भी दिया हुआ है कुछ कुछ फ्राइज खा भी रहे हैं तो फ्रेंड्स इस स्टेज में आप कोशिश कीजिएगा पानी जितना कम हो सके चेंज करना क्योंकि फ़्राइज़ जो होते हैं वो ज़्यादा वाटर चेंज हैंडल नहीं कर पाते ठीक है तो वाटर चेंज जितना कम हो सके कीजिएगा तो ये रहा डे सेवन तो अब सारे फ्राइज़ फ्री स्विम कर रहे हैं तो आज से इन लोगों का प्रॉपर फीडिंग भी चालू हो जाएगा तो मैं जनरली फीडिंग एटलीस्ट थ्री टाइम करवाता हूँ जनरली फ़ोर टू तो फाइव टाइम्स करवाना सबसे बेहतर रहता है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये लोग जो वाइल्ड में रहते हैं उन लोगों को ट्वेंटी फोर सेवन फूड मिलते रहता है लेकिन हम जब उस उन्हें आर्टिफिशियली रेस करते हैं तो उन्हें हम जब तक खाना नहीं देंगे तो खाना नहीं मिलेगा तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बार कम क्वांटिटी में खाना आप प्रोवाइड करें तो ये रहा डे ऐट ये लोग साइज़ में भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो यहाँ पे आप देख सकिएगा कि इन लोगों का बेली थोड़ा ऑरेंज कलर का हो के है तो मैंने कुछ देर पहले इन लोगों को फीडिंग किया था तो ब्राइनशिम जो होते हैं वे भी ब्राइनशिम तो फ्रेंड्स फीडिंग आपको उतना ही करवाना है कि जिससे इन लोगों का बेली थोड़ा ऑरेंज कलर का हो जाए तो ये ऑरेंज कलर होने का मतलब ये है कि इन लोग का बेली अब फुल है ठीक है और हमको ज़्यादा फीडिंग नहीं देना है तो ये रहा डे नाइन का अपडेट तो ये लोग साइज़ में थोड़ा गेन किए हैं तो अभी भी लेकिन जो एंजल का शेप होता है वो डेवलप नहीं हुआ है वो डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो के आखिर तक देखिए वहाँ पे आपको इन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा ही समझ में आ जाएगा और ब्राइन शिम का एक एडवांटेज ये रहता है कि अगर आप पैलेट्स या कोई भी पाउडर फूड यूज़ कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा अगर फिश ने उसे खाया नहीं लेकिन लाइव फूड क्या होता है वो टैंक में लाइव ही रहता है तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहता है जो पानी को ख़राब नहीं करता है तो आज है डे टेन तो अभी ये लोग कुछ हद तक एक जो एंजेल वाली शेप होता है वो लेना चालू कर रहा है इन लोगों का फिन भी अभी आस्ते आस्ते विजिबल हो रहा है तो फूड एक ही रूटीन में चल रहा है एटलीस्ट थ्री टाइम्स अ डे वाटर चेंज वीकली ट्वेंटी परसेंट ठीक है और टेम्परेचर जो है वो मैं जनरली अट्ठाईस से तीस ही रखता हूँ तो ये रहा डे फिफ्टीन का अपडेट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दे आर गेटिंग देयर शेप स्लोली तो दोस्तों आ, फीडिंग को बहुत ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ओवर फीडिंग भी मत कराइएगा वो आपको फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान देगा आज है डे ट्वेंटी तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक्चुअली वो टैंक बहुत ही गंदा था तो उसी मैंने कुछ फ्राइज को ये टैंक में ट्रांसफ़र किया है जिससे मैं अच्छे से कैमरा में कैप्चर कर पाऊँ तो डे ट्वेंटी में आप लोग देख पा रहे हैं इन लोगों का शेप आँसते हस्ते ग्रो कर रहा है तो मैं अभी भी इन लोगों को बेबी ब्राइनशिम भी फीट करा रहा हूँ मैं जनरली एक महीना तक इन लोगों को बेबी ब्राइंडशिम भी फीट कराता हूँ उसके बाद धीरे धीरे पैलेट इंट्रोड्यूस करता हूँ तो ये है डे ट्वेंटी फाइव आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये लोग जो बेसिक एंजल शेप है वो उस शेप में आना चालू हो गया है और कुछ कुछ का तो ये जैसे कि ब्लू एंजल बीसीज का है तो ब्लू एंजल का जो स्ट्राइप रहता है बॉडी में वो भी धीरे धीरे विजिबल हो रहा है कुछ कुछ फ्राइज में अभी हुआ है आस्ते आस्ते दो एक दिन का अंदर और भी कुछ फ्राइज में आ जाएगा तो दोस्तों और एक बात ध्यान रखिएगा कि सारे फ्राइज़ एक ही रेशियो में ग्रो नहीं करते हैं कुछ फ्राइज़ जल्दी ग्रो करते हैं कुछ फ्राइज़ धीरे धीरे ग्रो करते हैं सेम बैच की ये हो सकता है क्योंकि हर किसी का फीडिंग एक नहीं होता है तो इस वजह से उन लोग का ग्रोथ रेशियो भी डिफरेंट होता है तो ये बात ख्याल रखिएगा एक बैच में मेरे सारे फ्राइज एक ही साथ एक ही साइज में बड़े होंगे ये मैंडेटरी नहीं है तो फ्रेंड्स ये है डे थर्टी तो एक महीना हो गया है तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये लोग प्रॉपर एंजल शेप में आ चुके हैं तो मैं अभी से इन लोगों को पैलेट्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूँगा मतलब जैसे कि दिन में तीन टाइम फीडिंग के अंदर एक टाइम मैं पैलेट दूंगा और दो टाइम ब्रैंडश्रिम दूंगा और धीरे धीरे इस रेशियो को बढ़ाते जाऊँगा क्योंकि एक बार में अगर आप पैलेट इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो लोग नहीं भी फीड कर सकते हैं so guys, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक like, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे के नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें